दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसकी शुरुआत कोई भी कर सकता है, इवन आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस धड़ल्ले से शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों आज के समय में जो बताते हैं कि ये मशीन खरीद लो और प्रॉफिट प्रॉफिट ही है। लेकिन आज बिजनेस में बताने जा रहा हूं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग होती है और किस तरह से आप जो है इस बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। और एकदम सटीक जवाब दूंगा, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन बहुत जगह नहीं मिलेगा। इवन जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लोग बताते हैं या बहुत सारी कंपनियां बताती है कि वो जो है मशीन खरीद लो और आपके पास से पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि मान के चलो कि ये मशीन है तो इस मशीन को आप खरीद लो और दूसरे सब तरह से पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप एक स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगना है, कितना वर्किंग कैपिटल लगना है और क्यों लगना है, उन तमाम चीजों के बारे में बात करूंगा। इस बिजनेस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस बिजनेस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं ये कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा और आप एग्जैक्ट बता पाएंगे, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बिजनेस से आखिर आपको कितना फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर ऑफ बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी मैं इस तरह के वीडियोज लेकर के आता हूं सीधे आप तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का बिजनेस होने वाला है कुरकुरे मेकिंग का बिजनेस। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कुरकुरे बनता है तो कैसे बनता है और क्या होता है कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो को आप देखिए। तो हम लोग अभी इस मशीन को हीट कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम देखते हैं कि इस मशीन से प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो अभी यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होना इसका शुरू हो गया है। ये जो है यहाँ से धीरे धीरे कटेगा और कट के जो है ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में भी ये डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर के अब जो है इसके बाद से हम इस प्रोडक्ट्स को लेके जा सकते हैं आगे। बस बस सफिशियंट है, सफिशियंट है। तो यहाँ पे कुरकुरे का निर्माण जो है वो शुरू हो गया है। इस तरह से कुरकुरे की पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मशीन चलती है और कैसे चलाया गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप कुरकुरे की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों पैकेजिंग की, जो ये कोई नहीं बताता। पैकेजिंग में दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा होता है आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी आप इसको पैकेजिंग करते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कम से कम 4 या 5 वेराइटी के कुरकुरे आपके पास होना चाहिए। चाहे वो चिप्स हो सकता है, कुरकुरे हो सकता है, इवन पैकेजिंग अलग अलग हो सकता है। 5 रुपए का पैकेजिंग, 10 रुपए का पैकेजिंग, 20 रुपए का पैकेजिंग, 50 रुपए का पैकेजिंग। तो अलग अलग वेराइटी हो गई, अलग अलग सेगमेंट हो गया। तो बात आती है पैकेजिंग की। तो लोग कहते हैं कि इस बिजनेस को अगर आपको शुरू करना है तो 5 लाख रुपए के अंदर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आप इस मशीन को परचेज करेंगे तो 5 लाख रुपए में आपको स्टार्ट हो जाएगा। कुछ रॉ मटेरियल भी आ जाएगा जो आपके लिए एनफ एंड सफिशियंट होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जब आप पैकेजिंग करने के लिए मटेरियल खरीदने जाएंगे, पैकेजिंग मटेरियल खरीदने जाएंगे दोस्तों, तो वहां पर पहले तो 250 से 300 रुपये किलो पैकेजिंग मटेरियल मिलेगा। इसको उसके ऊपर प्रिंटिंग करने के भी खर्चे वो अलग होते हैं। एक बार एक फार्मा बनवाएंगे तो 25-30 हज़ार रुपये जो है उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 लाख और प्लस ये हो गया। लेकिन मुद्दा ये है दोस्तों कि अगर आप
पांच फॉर्मेट में अगर आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जिसमें से छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, उससे बड़ा पैकेट, उससे बड़ा पैकेट, तो दोस्तों यहाँ पे हर सेगमेंट में आपको कम से कम 150 किलो खरीदना पड़ेगा। ये कोई नहीं बताता, कम से कम 150 से 200 किलो मिनिमम तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर बात करें तो ये जो है 250 रुपये के हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए, 250 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई बाय 150, ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए और सबको कैलकुलेट कीजिए, 3 से 4 लाख रुपया तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पैकेजिंग के लिए लग जाता है, जो 5 लाख के ऊपर होता है। और बाकी लोग इसलिए इस चीज को नहीं बताते दोस्तों, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो मशीनरी नहीं बिकेगा। आप जब इसको करने जाएंगे तो ये रियलिटी आपको पता चलेगा दोस्तों। तो पैकेजिंग मटेरियल का ये खर्चा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप इन तमाम चीजों को शुरू करेंगे या शुरू करने जाएंगे तो इसमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर बता दें कि 5 रुपये का जो प्रोडक्ट है जो आप मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है दोस्तों, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो गया, इसके साथ पैकेजिंग मटेरियल हो गया, सारे को अगर ऐड ऑन कर दें, सारे को अगर जोड़ दें, तो यहाँ पे 3 रुपया जो है आपको 5 रुपये के पैकेट में 3 रुपया का इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। जब 3 रुपया ये है, 5 रुपये में कस्टमर मिलता है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपकी प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर 3 सेगमेंट के को डिवाइड करें, आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर बीच में जो है आपका एक बंदा आएगा जो होलसेलर होगा, इसके बाद आएगा रिटेलर। रिटेलर को अगर 1 रुपया से कम मिलेगा तो वो बेचेगा नहीं, होलसेलर को आप कम दे सकते हैं, बल्क में क्वांटिटी दे सकते हैं, और यहाँ पर 2 रुपया बचता है, 2 रुपये में इन सबको मैनेज करना है। तो 1 रुपया तो मान के चलो कि रिटेलर को दे दिया, वो उसके पास जाना ही जाना है। अब बच गया सिर्फ 1 रुपया, इस 1 रुपया में 30 पैसे 20 पैसे आपको लेने हैं, बाकी के पैसे आपको होलसेलर को देने पड़ेंगे। हाँ, ये बात सही है कि 2 पैकेट 1 पैकेट कोई नहीं ले जाएगा, कम से कम 1 ट्रक 1 टाली 2 टाली जरूर ले जाएंगे, 5,000 2,000 10,000 क्वांटिटी जो है वो लेकर के जाएगा कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर, कोई भी अगर होलसेलर लेके जाता है, तो आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट बचेगा, लेकिन मार्जिन बहुत कम है दोस्तों। तो ये एक चीज हो गई दोस्तों जो आपको समझने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा। तो मान के चलो कि अगर आप 10,000 से 15,000 पैकेट जो है वो आप पर डे बेचते हैं, तो इसमें जो है 30 पैसे का मल्टीप्लाई करिए और ये एग्जैक्ट प्रॉफिट आपके पास होनी है। अब बात आती है कि इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मार्जिन है ना, जिसको मैंने आपको बताया कि 1 रुपया बचता है, इस 1 ही रुपये में आपको खेलना है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, होलसेल के दुकान पर जाते हैं, तो होलसेल के दुकान वाला किसी बंदे से ले रहा है, उसको जो है 1 पर आपको 30 पैसे या 40 पैसे मिल रहा है, तो आपको 2 ही तरीके से उसको सेल कर सकते हैं। एक तो आपको सुपर क्वालिटी हो, या आप कम मार्जिन में दे रहे हैं, या उसको प्रॉफिट ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप अगर 40-50 पैसे के बदले में 60 पैसे में देंगे तो आपका मार्जिन घटेगा, लेकिन आपके पैकेट निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको बिजनेस करना है तो इस बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया, सबसे पहले बात किया कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जा सकती है, दूसरे लेवल पर बात किया कि जो हिडन कॉस्ट आती है, जो पैकेजिंग से मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट आती है वो कैसे होती है, कितना पैसे आपको देना पड़ता है, मशीनरी के बारे में मैंने बात किया कि कितनी मशीनरी में इन्वेस्ट होनी है, और साथ साथ अब एक चीज छूटता है दोस्तों, और ये होता है क्रेडिट बैलेंस। जैसे अगर आप मार्केट के अंदर कोई सामान लेके जाते हैं और आप सोचते हैं कि हम इसको किसी भी होलसेलर को दे देंगे और वो पैसा हमें तुरंत दे देगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भ्रम है। इस इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी होलसेल इंडस्ट्री के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको 1 लॉट जो है वो आपको क्रेडिट के रूप में देना पड़ेगा किसी को। जैसे मेरे पास अगर लेकर के आते हैं तो आपको 1 लॉट जैसे 40,000-50,000 रुपये का माल मेरे पास रखना पड़ेगा, जब दूसरा लॉट हम आपके पास से मंगवाएंगे तो इसका पैसा पेमेंट कर देंगे और जो आया रहेगा उसका पैसा मैं रखूँगा। तो ये कुछ हिडन चीज़ें थी जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बाकी के चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताई है कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इसमें भी मैंने दिखाया था आपको कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आप कुरकुरे मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिज़नेस से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, कितनी प्रॉफिट हो सकती है, कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो दोस्तों
अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।